देख भारी शॉट लिया ना। उसको एक कचरा थे सभी आपको दिखा रही होंगी उन्होंने कहा बैठा दिया
फिर एडमिट किया, फिर बाहर बैठा दिया, वो डिफॉल्ट आपको नहीं दे पा रहा था। वो ऐसा नहीं हुआ सर, उसका ऐसा वो भी आईसीसी में एडमिटेड था, उसको आईसीसी में एडवाइस किया था सर डॉक्टर ने, उसने बोला मेरे को आईसीसी में नहीं एडमिट करना है। अभी जब डॉक्टर बोलता है कि आपको आईसीसी का जब रेट अगर आप मांगते हो 20-25 हज़ार तो मेरे पास भी कहां से भरेगा? मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि हम नहीं मांगते, हम उनसे बोलते हैं आपके पास जितना है उतना भर दीजिए, बाकी का आप कब भरेंगे वो दे दीजिए। आपने सर सुनिए, मिनिमम 5 हज़ार के लिए रिपोर्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है। नहीं सर, इसने हमने बोला था मैं जा रहा हूँ, पेशेंट को मैं मिला तो इनका सेम क्यों नहीं, उसको इन्होंने मिलाया सर, वो आया था यहाँ पे, इनका भी जो ट्रस्टी लोग के पास भी गया था, ट्रस्टी लोग ने भी उसको बोला कि अंदर डिनाई पर फिर बाद में वो बीएमसी में एडमिट हुआ। सर ने फोन किया बीएमसी में, उसका ट्रीटमेंट करा के दिया, बोला ठीक है हीरा मूवी का बाद में मैं देखता हूँ और भी तुम तत्काल अपना ट्रीटमेंट दे ले। 5 हज़ार रूपए के लिए उसको आपने पूरा दिन इधर बाहर बैठा, पैर का था, पैर का उसका नी जॉइंट का उसके अंदर से बस हो गया था, तो पहले डॉक्टर ने नीडल से वो निकाल दिया, लेकिन फिर वापस भर गया तो उसको बोला फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको हम लोगों ने एस्टिमेशन दिया कि इतना एस्टिमेशन होगा। अभी सर ये टाइम में यदि वो बोलता है कि मैं पुअर पेशेंट हूँ, आपका जो रेशन कार्ड जो भी कोई सिस्टम है, नहीं नहीं बोलेगा तो कैसे? एक बात बताइए, मैं जब आपको बोलता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है भरने, इसका मतलब ये बोलना पड़ेगा मैं पुअर हूँ, इसलिए नहीं भर सकता? नहीं नहीं सर, तो आप बोलो ना, मैं नहीं भर सकता हूँ, वो क्या बोला कि मैं कल लेके आता हूँ परसों लेके आता हूँ, ऐसा बताता हूँ कोई फायदा नहीं है तो नहीं सर, आप बोलेंगे नहीं तो हमको कैसे बताइए? जब ये सर 5 दिन यहाँ रह चुका, 10 दिन रह चुका, जब उसको डिस्चार्ज का बात हुआ तभी बोलता है मेरे पास पैसा, या पहले दिन से बोलो तो पहले दिन आपको फ्री कर सकते हैं, लेकिन जब आपको 5 दिन आप रहते हो हॉस्पिटल में, आप बोलते मैं पैसा अरेंज करता हूँ। अभी देखिए ये तो सीधी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि यदि वो बोलता है मैं पैसा अरेंज करता हूँ तो हम उसके लिए वेट करेंगे, जब उसको डिस्चार्ज करने का बात आया तब वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है मैं अरेंज करता हूँ। साहब इसको आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखते? जैसे आपको बोलेगा तो उसको देखो ये मेरे पास रहता है, ये गरीब है, ये बोलते मैं अरेंज कर रहा हूँ, उसको बोलो ना तुम्हारे पास अगर रेशन कार्ड है तो मैं गूगल पे करता हूँ, बोला ना उसको पहले, उसके पास रेशन कार्ड नहीं था सर, नहीं यादव के पास रेशन कार्ड नहीं था सर, यही प्रॉब्लम है हमारा। क्या होता है सर, देखो जो भी पेशेंट आता है ना, जो भी पेशेंट आता है ये चैरिटेबल है, तो सब लोग यही सोच के आते हैं कि यहाँ फ्री होगा या सस्ते में, लेकिन कोई भी जब प्रूफ मांगते हैं तो प्रूफ नहीं, नहीं कोई भी फ्री सोचता नहीं है, सस्ते में होगा, लेटेस्ट पुटिंग लग जाए सस्ते में होगा, लेकिन सर कभी कभी कोई मेजर सर्जरी हो जाती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उनको हम लोग सब लोग हेल्प करते हैं, हमारे इतने डोनर्स लोग हैं, ये देखो ये लिस्ट ही है जितने पेशेंट लोगों को हम लोगों ने हेल्प किया उसकी लिस्ट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पेशेंट को अगर बोलना तो चाहिए ना, आप बोलोगे नहीं, जब डिस्चार्ज हो जाओगे जब आपके हाथ में बिल आएगा तब आप बोलोगे कि साहब मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसमें फर्क पड़ जाता है। आप पहले दिन से बोलो हम आपको बोल देंगे, हम बोलते हैं खुद बोलते हैं कि आप रेशन कार्ड दे दो, उसमें फर्क क्या पड़ता है बताइए मुझे? नहीं फर्क ये पड़ता है सर, गवर्नमेंट क्या बोलता है जैसा अमीर का इलाज करते वैसे ही करना पड़ेगा, वैसे तो इलाज हो गया। एक मिनट, बिलिंग जो है उसको 25% को आपको डिस्काउंटेड रेट, मतलब बीएमसी रेट आप बोलते फ्री ठीक है फ्री करो, मेडिसिन पे 50% का डिस्काउंट, और ये आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप जो ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, आपका जो नॉर्मली कोई अगर चलाता बिजनेस के जैसा तो उसको 35-40% टैक्स है जो आपका एग्जेम्पशन है, ये गवर्नमेंट आपसे 40% आपका इनकम का नहीं ले रहा है, इसलिए वो बोल रही है कि हम वो नहीं ले रहे, इसलिए गरीब को आप फ्री में करो, वो फ्री में कोई कुछ नहीं मांग रहा है, गाइडलाइन दिया है कि आपको ये प्रूफ देना है आपकी पुअर, सब लोग देखिए बाकी जो भी पेशेंट आता है वो यही बोलता है कि मैं गरीब हूँ करके, मेरे को बताइए लेटेस्ट डीआर आप पढ़िए, अगर आपको उस पे है तो बोलिए, नहीं नहीं रेशन कार्ड जो है वो उनके पास येलो पीला और ऑरेंज, हाँ तो वो नहीं था ना सर उसके पास कोई रेशन नहीं, नहीं अभी मैं बोल रहा हूँ अभी तो नहीं, ये तो मालूम है हमको, हाँ, ऑरेंज रेशन कार्ड होता है, हाँ, उसके अंदर कुछ वो लिमिट होती है, पता नहीं मेरे को कितना लिमिट है, कुछ लिमिट है, बट हम तो वो देखते भी नहीं है लिमिट सर, हम तो लिमिट भी नहीं देखते, आप ऑरेंज रेशन कार्ड लेके आइए हम आपको फ्री करते हैं, सवाल ही नहीं है, इसके पास में क्या था, रेशन कार्ड भी नहीं था, इसके पास में कोई प्रूफ नहीं था, इसने कभी पहले बोला नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम दूसरे दिन से नहीं, इट इज नॉट ओनली वन केस, वो एक छोड़ दो, इसका एक केस भी छोड़ दो, मगर अभी हमारा ये मांग है कि अभी आपके पास 65 बेड है, 16 बेड आपको बीपीएल के लिए, हमारे 16 अगर मैं ये देखना होगा कि यहाँ के लोगों को जितने भी हमारे यूनिट अध्यक्ष हुए आए, 16 लोग 16 बेड पर डे दिस शुड बी रिजर्व, और आप एक आप उन लोगों को बेड डिनाई नहीं कर सकते, और सुनिए गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि इनको ये हम लोग एडवांटेज दे रहे, कोई आप फेवर नहीं कर रहे, डोंट थिंक यू आर डूइंग एनी फेवर, फेवर नहीं कर रहे,
लेकिन सर ऐसे आपने आज तक सुनिए तो वो आप आज तक क्या किया, उन्हें दो आपको